वेलकम टू द जीके ट्रिक्स विद प्रणव। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सबसे बेहतरीन सबसे बेस्ट जॉब कोई होगी बैंकिंग इंडस्ट्री में तो उसके बारे में, क्योंकि आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलते हैं ऐसे बेस्ट जॉब। तो देखिए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रेस्टीज वाली बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप कह सकते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट पोस्ट कह सकते हैं इसे। SBI PO से भी बहुत अच्छी पोस्ट है RBI ग्रेड बी ऑफिसर, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली रिक्रूटमेंट देता है भारतीय गवर्नमेंट की बैंक रिजर्व बैंक में। तो देखिए सैलरी और अलाउंस के बारे में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सैलरी कितनी मिलती है, अलाउंस कितना मिलता है उनको, पेट्रोल या फिर हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है, अदर भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं उसके बारे में टोटल डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जीके ट्रिक्स विद प्रणव को, तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों एमोलमेंट से। देखिए फर्स्ट है मंथली सैलरी होती है आपकी, उसके बाद में क्या होता है मंथली अलाउंसेस और पर्क्स, मतलब आपको कुछ अलाउंसेस जो होते हैं मंथली तौर पर दिए जाते हैं और कुछ एनुअल तौर पर दिए जाते हैं, मतलब हर साल में एक बार। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से मंथली अलाउंसेस है और कौन से एनुअल अलाउंसेस है, मंथली सैलरी कितनी है, ग्रॉस सैलरी कितनी है, नेट सैलरी कितनी है, पूरा डिस्कस करेंगे, बेसिक पे कितना है। तो देखिए अब मंथली सैलरी, तो मंथली सैलरी होती है RBI ग्रेड बी ऑफिसर की, देखिए बेसिक सैलरी होती है 35,150, ये होती है आपकी बेसिक सैलरी। इसके साथ में अगर आप अलाउंसेस ऐड कर देंगे तो हो जाएगी आपकी ग्रॉस इनकम। तो देखिए ग्रेड पे कितना है, ग्रेड पे है 6,800 का और स्पेशल पे मिलता है 1,800 का। अब देखिए डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कितना होता है, तो 76.1% ऑफ बेसिक प्लस ग्रेड प्लस स्पेशल, इन तीनों को अगर आप मिला देंगे और उसका 76.1% निकालेंगे तो वो होता है आपका डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस देखिए कितना मिलता है, 33,293.75, ये मिलता है डियरनेस अलाउंस RBI ग्रेड बी ऑफिसर को। अब देखिए LCA, तो LCA क्या होता है, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस, तो ये मिलता है 9% ऑफ बेसिक पे, तो ये आपको मिल गया 3,163.5। देखिए बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं इसलिए इसे बेहतरीन या फिर सबसे अच्छी जॉब आप कह सकते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री की, इतने अलाउंस और कोई जॉब में जल्दी से नहीं मिलते फ्रेंड्स। और RBI में काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही प्रेस्टीज वाली बात होती है। नेक्स्ट देखिए आप डिडक्शंस क्या क्या होते हैं, NPS मतलब न्यू पेंशन स्कीम के तौर पर आपसे 7,000 डिडक्ट करते हैं और इनकम टैक्स के तौर पर 5,000 तक के डिडक्ट करते हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू बता रहा हूँ मैं, इसमें थोड़ा बहुत वेरी भी हो सकता है। देखिए टोटल फिर आपका इनकम हो जाता है 68,207.25 रुपीज़, ये हो गई आपकी मंथली सैलरी। अब देखिए अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं, ये तो आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई, अब देखिए अलाउंसेस। तो देखिए सबसे पहले है पेट्रोल अलाउंस। देखिए अगर आप मुंबई में रिक्रूट होते हैं, मुंबई में क्या है RBI का हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, तो मुंबई में रिक्रूट होते हैं तो मुंबई में आपको मिलता है पेट्रोल अलाउंस हर महीने के लिए 200 लीटर का। देखिए 200 लीटर, 200 इंटू, अब पेट्रोल का रेट कितना चल रहा है फ्रेंड्स, 100 रुपये, तो 200 इंटू 100 कर दीजिए कितने हो गए, मतलब लगभग 20,000 का आपको पेट्रोल अलाउंस मिलता है अगर आप मुंबई में जॉब करते हैं तो। अगर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु में काम करते हो तो 180 लीटर मिलता है और अदर सिटी के लिए 150 लीटर मिलता है। नेक्स्ट देखिए हाउस होल्ड अलाउंस मिलता है 5,000 रुपीज़ का, ये हर महीने मिलता है। नेक्स्ट देखिए इंटरनेट अलाउंस 2,000 रुपीज़, इक्विपमेंट मेंटेनेंस ये मिलता है 500 पर मंथ। नेक्स्ट देखिए न्यूज़पेपर अलाउंस, देखिए 900 रुपीज़ न्यूज़पेपर अलाउंस, मतलब इसमें आप 5 से 6 न्यूज़पेपर आराम से लगा सकते हैं, इतना अलाउंस आपको हर महीने मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए लैंडलाइन, लैंडलाइन का भी आपको 1,300 रुपये मंथली मिलता है। नेक्स्ट देखिए सोडेक्सो कूपन, सोडेक्सो कूपन क्या होता है, ये बेसिकली एक मील कूपन होता है फ्रेंड्स मील के लिए, तो ये मिलते हैं आपको 3,600। नेक्स्ट देखिए मोबाइल, मोबाइल अलाउंस मिलता है 1,000 रुपीज़ पर मंथ। अब देखिए जो एनुअल है, ये तो हो गए मंथली अलाउंस, अब एनुअल अलाउंसेस आपको क्या क्या मिलते हैं, तो बुक के लिए देखिए अगर आप किताबें वगैरह का शौक रखते हैं तो बुक के लिए ग्रांट भी आपको 8,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। नेक्स्ट मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन 13,000 पर मंथ मिलता है। ब्रीफ केस, देखिए बहुत ही रेयर है कि किसी जॉब में अगर आपको ब्रीफ केस के लिए भी अलाउंस मिलता हो, ब्रीफ केस यानी आपका जो बैग वगैरह होता है उसके लिए भी आपको 6,500 एनुअल अलाउंस मिलता है, हर साल में एक बार मिलता है। नेक्स्ट देखिए अगर आपको चश्मा वगैरह है तो स्पेक्टेकल्स के लिए भी आपको अलाउंस मिलता है, हर साल 13,000 तक का अलाउंस मिलता है। नेक्स्ट देखिए LFC मतलब लीव फेयर कंसेशन,
तो ये भी मिलता है आपको 86,000 पर पर्सन, 86,000 पर पर्सन। ये आप पर जो डिपेंडेंट है, मतलब आपकी पत्नी, आपके चिल्ड्रंस वगैरह जो हो गए उनके लिए, टोटल 4 जन के लिए मिलता है। नेक्स्ट देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, तो 7,000 पर चाइल्ड मिलता है। ये हो गया एनुअल अलाउंस, साल में एक बार। और फर्नीचर, देखिए फर्नीचर अप टू 2 लाख, मामूली रकम नहीं होती फ्रेंड्स, 2 लाख का अलाउंस मिलता है एवरी 5 ईयर्स में फर्नीचर के लिए। तो इतने सारे अलाउंस और बहुत ही रेयर खर्चा होगा आपको, जो देखिए इतने सारा सारे अलाउंस मिलते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो मैक्सिमम तो आप सेव ही कर लेंगे, क्योंकि जो जो आपका खर्चा हो रहा है वो सारा आपका अलाउंस से ही मिल जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जीके ट्रिक्स प्रणो को, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स सारे जॉब्स के बारे में मिलते रहे। स्टडी करते रहिए। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है फ्रेंड्स, और वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। थैंक यू।